पूछा है तो क्या कोई आदमी ने खोला है क्या? हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ से तो कोई आदमी नहीं आया, हम रात को ताले लगा कर आए। तो फिर उन्होंने कहा आप इमीडिएटली आ जाओ, तो हम इमीडिएटली घर से भाग कर आए, देखा तो शटर ऊंचा था, ऊंचा तो शटर खोल करके फिर हमने सारी जगह चेक करी। इमरजेंसी कंडीशन में कोई आपके साथ हो ना हो, संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर हमेशा आपके साथ है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं और सभी टीपी एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना द्वारा कैशलेस इलाज उपलब्ध। संजीवनी हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, अजमेर। रोजाना हम 9:30 बजे करीब दुकान मंगल करके गए थे। सवेरे हमारे पास में करीब 9 बजे के आसपास हमारे सामने कुरियर वाले हैं, उनका फोन आता है कि आपका शटर थोड़ा ऊंचा है तो क्या कोई आदमी ने खोला है क्या? हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ से तो कोई आदमी नहीं आया, हम रात को ताले लगा कर आए। तो फिर उन्होंने कहा आप इमीडिएटली आ जाओ, तो हम इमीडिएटली घर से भाग कर आए, देखा तो शटर ऊंचा था, ऊंचा तो शटर खोल करके फिर हमने सारी जगह चेक करी तो दुकान का कोई माल पार नहीं हुआ, लेकिन कैश रखा हुआ 1,10,000 रुपया तकरीबन था, वो रुपया यहाँ से पार हो गया। और उसका CCTV फुटेज, उनका अंदर घुसने का, बाहर का सारा हमने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। हमारा कोतवाली थाना लगता है, हमने कोतवाली थाने में इन्फॉर्म कर दिया है, वहाँ से वहाँ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ आकर के चेक भी कर गए हैं, देख गए हैं, आगे की उन्होंने कार्रवाई के लिए हमें फुटेज में क्या नजर आ रहा है? 3 आदमी, एक औरत है, एक आदमी है और एक बच्चा है। बच्चे को अंदर घुसेड़ा गया है और वो शटर पूरा नहीं खोल करके आधे में बच्चे को अंदर घुसेड़ के और उसमें से कैश निकाला गया है। कैश के अलावा कोई चीज नहीं छेड़ी गई है, खाली कैश को निकाला गया है। इस प्रकार को कैश को लेकर के वो चले गए हैं। शिकायत हमने दर्ज करा दी है, पुलिस से वहाँ से आ भी गए हैं, यहाँ पर चेक भी कर गए हैं और सारा उन्होंने कहा हम आगे की कार्रवाई। और ये जो हमारे फुटेज में आ रहा है वो 5:31 से 36 मिनट के बीच की ये घटना है, सवेरे पहले की घटना है। ये कालीचरण दास खंडेलवाल, प्रोपराइटर दौलतराम।